तो गाइस आपका स्वागत है। तो पिछली बार मैंने इस एप्पल क्यूब की अनबॉक्सिंग की ये शॉर्ट्स वीडियो मैंने अपलोड की थी, तो उसमें मैंने चेकरबोर्ड पैटर्न बनाया था और बाद में मैंने वीडियो बंद कर दी थी। तो आज के वीडियो में हम इस एप्पल क्यूब पे एक सॉल्व करने वाले हैं, जिससे आपको भी पता चलेगा कि ये सॉल्व कैसे होता है। तो हम पहले इसे स्क्रैम्बल कर लेते हैं। उससे पहले मैं वो चेकरबोर्ड पैटर्न आपको बताना चाहता हूँ जो मैंने पिछली शॉर्ट्स वीडियो में बनाया था। तो इस चेकरबोर्ड पैटर्न के बाद हम अभी पहले इसे ठीक कर लेते। तो अभी हम इसे स्क्रैम्बल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी अच्छे से स्क्रैम्बल हो चुका है, तो अभी हम इस पर सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले मैं इस पर क्रॉस बना रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर से कर दीजिएगा। एंड इस क्यूब पे आगे मैं क्या करूँ वो कमेंट्स में मेरे को ज़रूर से बताना, जिससे मैं इस पर और वीडियोज़ बनाऊँ एंड ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो अभी मैं F12 कर रहा हूँ, हमारा क्रॉस हो चुका है। तो ये इधर अभी ये लास्ट हमारा बाकी है, तो ये भी लग चुका है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये क्यूब सॉल्व हो चुका है, तो ये सॉल्व नहीं हुआ, अभी कुछ पार्ट्स इसके बाकी है। तो अभी आप देख सकते हैं इधर के ये दो एल वाली सिचुएशन है, जैसे हम क्रॉस बनाते हैं वैसे। तो हम जैसे क्रॉस बनाते हैं वही एल्गोरिदम लगा के क्रॉस बनाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं सारे एजेस हमारे एडजस्ट हो चुके हैं। तो एक हमारा कॉर्नर पीस लगे, लेकिन तीन ये कॉर्नर पीस नहीं लगे, तो इन्हें हम पहले एडजस्ट कर लेते हैं ये एल्गोरिदम लगा के। तो हुए नहीं हुए, फिर से करना पड़ेगा। अभी ये एक और बार मैंने किया तो ये पूरा क्यूब सॉल्व हो जाएगा। तो एक और बार मैं करता हूँ तो ये हो चुका। अभी आप देख सकते हैं ये पूरा हमारा क्यूब सॉल्व हो चुका है, एक भी कॉर्नर पीस नहीं बचा। तो अभी मैंने इसे सॉल्व तो कर दिया, अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्यूब कैसा है। तो इसके सारे एजेस एक जैसे एंड इसके जो कॉर्नर्स भी है वो भी एक जैसे है। इससे हम अभी ये नीचे बॉटम वाले साइड में भी हम देख सकते हैं सारे पीसेस सेम है, यानी कि एजेस एंड कॉर्नर्स। तो ये 3x3 के अकॉर्डिंग इजी है। एंड आप देख सकते हैं 3x3 में हमें कलर्स मैच करने पड़ते हैं, और इधर हमें शेप मैच करना है, यानी कि इधर ये कॉर्नर्स एंड एजेस एक जैसे है, तो इसे ज़्यादा इजी होता हो जाता है। तो ये मेरे को 3x3 से इजी लगा। तो आपको क्यूब कैसे लगा कमेंट्स में ज़रूर से बताना, एंड ऐसी क्यूबिंग रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।